नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो का टॉपिक लेके आया हूँ वो है हाइपोस्पैडियास। बेसिकली आपको ये समझना होगा कि हाइपोस्पैडियास होता क्या है, क्या समस्या आती है कि हाइपोस्पैडियास ये जो शब्द है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते हैं, क्या सोच के वो लोग सर्च करते हैं या क्या परेशानी होती है। ये सारी जानकारी और इससे रिलेटेड सारी जानकारी कि हाइपोस्पैडियास का क्या ट्रीटमेंट है, कितनी उम्र में करना चाहिए, कितनी स्टेज में होगा और इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, भविष्य में बच्चे का क्या होने वाला है, मैं आज इस वीडियो में आपको संपूर्ण तरीके की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। देखिए आप, ये हाइपोस्पैडियास है। हाइपोस्पैडियास बेसिकली क्या होता है कि जो बच्चे जन्म लेते हैं ये अधिकतर मेल के अंदर होता है, और इसमें होने का क्या है कि जो पेशाब का रास्ता है, धरिए ये पेशाब का लिंग है, लिंग में से जो पेशाब का रास्ता ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, वो वहाँ ना होके नीचे की तरफ, यहाँ से लेके और यहाँ तक जहाँ पे उसका नीचे का जो सैक होता है वहाँ तक कहीं पे भी हो सकता है। ये पेशाब का रास्ता जहाँ पर होगा उसके हिसाब से इनका क्लासिफिकेशन होता है। ये प्रॉक्सिमल हाइपोस्पैडियास, मिड पेनाइल हाइपोस्पैडियास और डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पैडियास तीन भागों में बांटे जाते हैं। ये लगभग 400 बच्चों में लाइव बर्थ में पाया जाता है, यानी कि एक बच्चा जन्म लेगा 400 के अंदर तो उनके अंदर हाइपोस्पैडियास के चांसेस हो सकते हैं। हाइपोस्पैडियास के चांसेस उनमें ज़्यादा होते हैं जिनमें कि उनके माँ बाप के अंदर इस तरीके के कोई भी जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं। जरूरी नहीं है कि उनके माँ बाप में ऐसा हो, लेकिन कि किसी भी कारणवश उनके वंशज किसी भी तरीके से ये अगर जीन कैरी करते हैं तो उसमें ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि उनके जीन्स नहीं हों और स्पॉन्टेनियस ये नए जीन आके इस तरीके से ऐसा हाइपोस्पैडियास होने की संभावनाएँ होती हैं। इसीलिए यह इतना कॉमन है। बहुत कॉमन होने के बावजूद भी लोगों को आज तक इसका नाम, ये जो हाइपोस्पैडियास नाम है, ये जानकारी काफ़ी देर बाद पता पड़ती है। जिनके बच्चे पैदा होते हैं हाइपोस्पैडियास लेके, वो शुरू में ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये बीमारी क्या है। जो लोग बड़े शहरों में रहते हैं वो किसी तरीके से सर्च करके, इधर करके उधर करके पहुँच के और किसी न किसी तरीके से पहुँच जाते हैं, लेकिन जो लोग छोटी जगह पर रहते हैं अक्सर वो लोग ये जानने में कि यह हाइपोस्पैडियास है, यहाँ तक पहुँचने में भी उनको काफ़ी समय लग जाता है। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि पेशाब का रास्ता ऐसा क्यों हुआ। कई चीज़ों पे दोष देते हैं, वो दोष देते हैं कि ग्रह चक्र ऐसे हो गए या फिर कोई ग्रह या जो है कोई अमावस्या पूर्णिमा, इस तरीके की बहुत सारे अटकलें लगाते हैं, मानते हैं कि उन्होंने ऐसा, माँ ने ऐसा कुछ खा लिया होगा, ऐसा कुछ हो गया हो, मतलब इस तरीके की भ्रांतियाँ बहुत सारी फैली हुई हैं जिनको आप मिथ बोल सकते हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन हकीकत इनसे बहुत परे है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेशाब का रास्ता जो होता है, पेशाब के अंदर की जो थैली से लेके लिंग के टिप तक एक डेवलप होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है। यह रास्ता पूरा का पूरा जो रास्ता है कहीं पर भी बनना अरेस्ट यानी कि बंद हो जाता है, तो वहाँ पर उसका जो पेशाब करने का छिद्र है वो खुल जाता है। वो पेशाब करने का छिद्र कौन सी जगह पे खुलेगा उसी पे निर्भर करता है कि इसका क्लासिफिकेशन प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पैडियास, मिड पेनाइल हाइपोस्पैडियास या डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पैडियास होगा। डिस्टल पेनाइल हाइपोस्पैडियास रिलेटिवली सरल होते हैं और नंबर में ज़्यादा होते हैं। मिड पेनाइल हाइपोस्पैडियास नंबर में उनसे कम होते हैं, और इनका माने इनका जो जटिलता है वो डिस्टल पेनाइल और प्रॉक्सिमल पेनाइल दोनों के मध्य में रहता है। जो पेरिनियल यानी कि प्रॉक्सिमल पेनाइल हाइपोस्पैडियास होते हैं ये कठिन होते हैं। समस्या इसमें अत्यधिक होती है। क्यों अत्यधिक होती है? कि अधिकतर माँ बाप यही नहीं समझ पाते हैं कि यह पूर्णतः लड़का है या नहीं है। उनके दिमाग में सबसे बड़ी बुराई इस समय और सबसे बड़ा संदेह इसी चीज़ का आता है कि यह बच्चा वास्तव में क्या लड़का है।
इस चीज को लेके वो अपने अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, लेकिन ये किसी को बता नहीं पाते हैं कि हाँ ये वास्तव में कि ये लड़का ही है। डर लगता है, मन में डर आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ थर्ड जेंडर हो। हकीकत यह नहीं है, हकीकत यह नहीं है, क्योंकि अगर इनका जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन कराया जाए, जेनेटिक एनालिसिस किया जाए, तो मोस्टली ये 46XY होते हैं, जो कि नॉर्मल पुरुष के क्रोमोसोम्स होते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये थर्ड जेंडर नहीं हो सकता है, लेकिन उनका क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन भी वैसा ही होना चाहिए जो थर्ड जेंडर का रहता है, जिनमें कि हर्मोफ्रोडाइट्स आते हैं, ट्रू हर्मोफ्रोडाइट्स, सूडो हर्मोफ्रोडाइट्स, ये तरीके के आते हैं जो आपके मन में आते हैं थर्ड जेंडर। लेकिन आप अपने मन में ये मत बनाइए कि ये वास्तव में थर्ड जेंडर है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अपने मन से कोई भी चीज का निर्णय मत लीजिए, आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए और वह आपके बच्चे की जांच करने के बाद में आपको निर्णय देगा कि नहीं, ये सच में ऐसा नहीं है, आपका बच्चा एक नॉर्मल पुरुष की तरह हो सकता है। अगर उसकी सर्जरी टाइमली कराई जाए तो यह बच्चे प्राय प्राय नॉर्मल ही होते हैं, और डिस्टल पेनाइल और मिड पेनाइल वाले तो प्राय नॉर्मल ही रहते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से कराइए, क्योंकि आप इधर उधर भटकेंगे तो आप किसी भी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। बच्चे की आयु जब लगभग 3 वर्ष की होती है, तब इस समय आप इन बच्चों का ऑपरेशन करा सकते हैं। इन ऑपरेशन में आपका या तो सिंगल स्टेज में ऑपरेशन हो सकते हैं या डबल स्टेज, यानी कि 2 बार ऑपरेशन किया जाता है, उसको 2 स्टेज ऑपरेशन या 2 सिटिंग ऑपरेशन कहते हैं, और जो कि एक बार में होते हैं उनको सिंगल सिटिंग या सिंगल स्टेज ऑपरेशन कहा जाता है। किस बच्चे का कौन सा ऑपरेशन लगेगा, यह बच्चा एग्जामिनेशन करने के बाद पता पड़ता है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और कई सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि ऑपरेशन टेबल पर डिसाइड होती हैं कि यह सिंगल स्टेज में जाएगा या डबल स्टेज में जाएगा। डबल स्टेज का मतलब होता है कि आज की एक ऑपरेशन हो गई, इसके बाद अगली ऑपरेशन 3 से 6 माह बाद होती है। डरने का ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अधिकतर माँ बाप हमसे आके ये पूछते हैं कि बच्चे हो, ये जो बच्चा जन्म लिया है, मान लीजिए कि इसका पेशाब का रास्ता सही भी हो गया और सामने आ गया, क्या यह बच्चा बड़े होके जो स्त्री पुरुष का एक संपर्क है, जो स्वाभाविक संपर्क है, क्या यह कर पाएगा? मैं आपको बोलता हूं कि आप इस चीज को लेके बिल्कुल भी मत डरिए, क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर जो स्त्री पुरुष के बीच का संपर्क रहता है, वह प्राय इनका नॉर्मल रहता है। आप उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा प्रश्न और उनके दिमाग में रहता है, वो ये रहता है कि क्या यह बच्चे पैदा कर सकेगा। देखिए, बच्चे भी ये नॉर्मल पैदा करते हैं और इनकी सेक्सुअल लाइफ भी नॉर्मल रहती है, प्रोवाइडेड कि इनका ऑपरेशन सही जगह पे के होना चाहिए और इनका ऑपरेशन करने के लिए सही स्थान और सही सर्जन का होना बहुत जरूरी है। तो आप डिसीजन पहले लेने से पहले आप डरना बंद करिए, आप सही जगह पे पहुंचिए और आपका बच्चे का ऑपरेशन सही होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि वह पूरी तरीके से नॉर्मल होगा, और यह हमको भी बहुत खुशी होगी कि आपका बच्चा एकदम नॉर्मल हो और उसमें मिनिमम कॉम्प्लिकेशन या नो कॉम्प्लिकेशन के बाद में आपका बच्चे का सर्जरी सक्सेस हो। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसा ही हो। आपको लगता है कि आपको कोई और प्रश्न पूछने हैं, या आपकी जिज्ञासा अभी इसमें शांत नहीं हुई, या आपको संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला है, बहुत सारे आपकी और भी जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे यहाँ फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।